फ्रेंड्स, रेनॉल्ट लॉन्च करने जा रहा है अपनी टू सीटर स्मॉल इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है ट्विजी। एंड ये कार जो है वो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री में चल रही है और वहाँ ये सबसे ज्यादा बिकने वाली टू सीटर स्मॉल इलेक्ट्रिक कार है। एंड नाउ रेनॉल्ट गोइंग टू लॉन्च दिस कार इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस कार की पूरी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इन डिटेल इसके इंटरनल एक्सटर्नल डिजाइन एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो वहीं हम इस कार की बैटरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड एट द एंड हम इस कार की लॉन्चिंग डेट, टॉप स्पीड एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरैन आजाद एंड टेक्नोलॉजी माफिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आपको इस कार के बारे में बताऊं, आपको मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 350 में ले सकते हैं और 350 में आपको 50,000 तक का कवरेज मिलेगा। इस पॉलिसी को फंड पाई एश्योर की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप फंड पाई एश्योर के वेबसाइट पे पहुंच करके वहां अपनी डिटेल भर दीजिए और डिटेल भरने के बाद प्रोसेस कर दीजिए। और इसमें तीन तरह की पॉलिसी है, पहला 3.5 मंथ, 6.5 मंथ और जो तीसरा है वो 9.5 मंथ का है। तो अगर आपकी एज 45 से कम है और आप 350 की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 50,000 का कवरेज मिलेगा, और अगर आप ज्यादा का लेना चाहते हैं तो आप 500,000 तक का कवरेज ले सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां क्लिक करके इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रेनॉल्ट की टू सीटर स्मॉल इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये फोर व्हीलर स्मॉल इलेक्ट्रिक कार है एंड आप अगर चाहे तो इसे क्वार्टर साइकिल भी कह सकते हैं। बेसिकली ये कार लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, दैट मींस ये कार जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी बेटर है, बट इट्स नॉट अ गुड चॉइस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्योंकि ये कार ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री में चल रही है एंड वहां जो इसका रिस्पांस है दैट इज वेरी गुड। वन मोर थिंग अबाउट दिस कार के पार्किंग के लिए ज्यादा स्पेस नहीं लेगी एंड ट्रैफिक में भी आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगी। अब अगर हम बात करें इस कार के एक्सटर्नल डिजाइन के बारे में, तो ये कार दिखने में बड़ी क्यूट और स्टाइलिश सी लगती है। फ्रंट में अगर आप देखें तो आपको हेडलैम्प देखने मिल जाएगा, जबकि अगर आप बैक साइड में देखें तो वहां पे आपको टिल लैम्प भी देखने मिल जाएगा। रेनॉल्ट ट्विजी के अगर व्हील बेस की बात करें तो इसका व्हील बेस जो है वो 1686 mm है, वहीं इसका जो लेंथ है वो 2338 mm, विड्थ 1381 mm, वहीं जो इसकी हाइट है वो 1454 mm है, जबकि अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 120 mm है एंड इसका टोटल वेट 475 किलोग्राम है। और इस कार में 13 इंच का अलॉय व्हील लगाया गया है, साथ ही इस कार के चारों पहियों में डिस्क ब्रेक लगाया गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जबकि इस कार में जो सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है वो काफी अच्छा है, तो अगर आप थोड़ी टूटी फूटी सड़कों पर भी चलते हैं तो वहां पे भी इस कार का सस्पेंशन सिस्टम आपके सफर को आरामदेह बनाएगा। एंड इस कार में दो सीजर स्टाइल वाले डोर लगाए गए हैं, जो कि आपको इस कार में चढ़ते एंड उतरते समय राजा महाराजाओं वाली फीलिंग देगा। एंड इसकी डोर में जो विंडो है उसमें किसी तरह कोई ग्लास नहीं लगाया गया है, दैट मीन्स वो टोटली ओपन है। साथ ही इस कार में आपको रियर व्यू मिरर भी देखने मिल जाएगा एंड इसके अलावा इस कार में 180 लीटर का बूट स्पेस भी अवेलेबल है, जबकि इस कार का जो रूफ है वो टोटली ग्लास से बनाया गया है। अब अगर हम बात करें इस कार के इंटरनल इंटीरियर के बारे में, तो इस कार का जो इंटरनल इंटीरियर है दैट इज वेरी गुड। फ्रंट में डैशबोर्ड पे आपको एक स्मॉल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, फ्रंट में एक सीट एंड बैक साइड में एक सीट अवेलेबल है, दैट मींस टोटल टू सीटर कार है एंड फ्रंट की सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आइए आप बात करते हैं इस कार की बैटरी के बारे में। तो इस कार के अगर फ्रंट में देखें तो वहां पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा एंड इस कार में 6.1 किलोवाट का लिथियम बैटरी इंस्टॉल किया गया है, जिससे अगर आप एक बार फुल चार्ज कर देते हैं तो आप 100 किलोमीटर का ट्रैवल विदाउट एनी टेंशन कर सकते हैं। एंड इस कार की बैटरी को अगर आप नॉर्मल चार्जर के द्वारा चार्ज करते हैं तो 8 आवर रिक्वायर्ड है, साथ ही इस कार के बैटरी को आप फास्ट चार्जर के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं, मगर फास्ट चार्जर के द्वारा चार्ज करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसके बारे में कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन या फिर डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है। एंड इसमें 17 हॉर्स का पावर जनरेट होगा, जिसका टॉर्क 57 Nm होगा। अब अगर एट द एंड हम इस कार के लॉन्चिंग डेट, टॉप स्पीड एंड प्राइस के बारे में बात करें, तो कंपनी ने अभी तक इस कार को इंडिया में लॉन्च करने का डेट स्पेसिफाई तो नहीं किया है, बट उम्मीद है कि 2021 के लास्ट तक ये कार आपको इंडिया की सड़कों पर देखने मिल सकता है। साथ ही इस कार का जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस 5 से 5.5 लाख
के बीच में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस कार के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस कार के रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन तो प्रेस कीजिएगा ही, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। साथ ही लगा हुआ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, उससे होगा ये कि आपको आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर आप कोरोना कवच पॉलिसी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।